बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज आपके लिए लेके आए हैं एक दबंग बाइक, यूनियन स्टार का 125 होंडा को कंप्लीट करने वाला बाइक है। और हमारे यहाँ सुपर ऑटोस पे हमारे साथ मौजूद है फारूक भाई, अस्सलामुअलैकुम। क्या है जी, क्या लेके आए हैं? चीज जबरदस्त चीज है, देखने में पता चल रहा है कोई दबंग बाइक है। ये भजन बात इस तरह की है ना कि इस टाइम 70 में सबसे ज्यादा बिकने वाला मोटरसाइकिल चाइनीज वाला यूनियन स्टार है। यूनियन स्टार था और कस्टमर डिमांड इतनी ज्यादा थी कि इस पे 125 बनाया जाए, 125 लॉन्च किया जाए, आखिरकार कंपनी ने हमारी सुन ली है जनाब, इसमें 125 लॉन्च हो गया है। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। और ना सिर्फ ये ओनली आप इसको 125 कह सकते हैं, मैं कहता हूँ कि इसको साथ होंडा को खड़ा करें, आप इसके पार्ट चेक करें, होंडा के पार्ट चेक करें, यकीन माने कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि होंडा से किसी तरह से कम नहीं है। बिल्कुल, एक कंपैरिजन वीडियो भी बनाएंगे इनकी, बिल्कुल बनाएंगे। और मैं व्यूज को कहना चाहूंगा कि चाइनीज बाइक पर अगर आप देखें तो यूनियन स्टार का 70 होंडा सिटी 70 को फीट करता था, उससे आगे निकलता था। इसी तरह बहुत सारे 125 के लवर्स कहते हैं यार होंडा 125 120 तक जाता है, तो ये बाइक भी 120 किलोमीटर तक जाने की सलाहियत रखता है। इसको कंप्लीट रिव्यू देखेगा एंड इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। ये है हमारा यूनियन स्टार का 125। देखने में तो ऐसे लगता है जैसे कि होंडा का 125 है, लेकिन ये यूनियन स्टार का 125 है, 2024 मॉडल। ग्राफिक्स के ऊपर बात कर ली जाए, पैरेट ग्रीन, स्काई ब्लू और व्हाइट और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में इसके बड़े ब्यूटीफुल ग्राफिक्स दिए गए हैं। यूनियन स्टार का लेवल दिया गया है। पेंट क्वालिटी के ऊपर बारे में बात कर ली जाए तो बिल्कुल जबरदस्त फील भी नहीं होता कि कोई चाइनीज बाइक है। सेम एज इट इज जैसे कि हमें होंडा प्रोवाइड कर रहा है, उस तरह की इसमें पेंट क्वालिटी दी जाती है। 9.8 लीटर का ऑलमोस्ट इसमें टैंक दिया गया है। साइड कवर के ऊपर आ जाए, यहाँ पे भी आप देखते चले साइड कवर जिसे टापा कहती है, वो भी कॉम्बिनेशन के ग्राफिक्स में आता है। यूएस 125 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, काफी स्मूथ इसकी फील है। आपको दिखाते चले, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स में दिया गया है। सीट के बारे में बात कर ली जाए, इंतहाई कंफर्टेबल, दो बंदे इजीली बैठ के इसके अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ आपको दिखाते चले ओवरऑल इसकी फील बिल्कुल नहीं होता कि ये यूनियन स्टार 125 है। ऊपर इसके जो फीचर है उनके बारे में बात कर ली जाए, सबसे पहले आपको यहाँ पे मीटर देखने को मिल रहा है जिसमें आपको स्पीडोमीटर है, आरपीएम मीटर है और ये इसकी एक कीज दी जाती है। इसके अलावा आपको राइट साइड में ग्रिप्स देखने को मिल रही हैं जो कि एक्सेलरेशन की ग्रिप है। लेफ्ट साइड पे हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल्स और हॉर्न के ऑप्शन है। फ्रंट आपको दिखा दें, सेम एज इट इज जैसा कि हमें होंडा 125 में मिलता है। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल में इसकी फ्रंट हेडलाइट मिल रही है जिसके अंदर हैलोजन बल्ब है, रिफ्लेक्सिबल इसके अंदर सिग्नल्स हैं, अगर आप ये टकरा भी जाते हैं तो टूटने का कोई डर वगैरह नहीं होता। नीचे आपको यूनियन स्टार की बैजिंग मिल रही है गोल्डन के अंदर और रेड के साथ कॉम्बिनेशन है। शॉक्स के बारे में बात कर ली जाए, अपसाइड डाउन इसके अंदर शॉक्स दिए गए हैं, काफी रिलायबल हैं। साइड पे यहाँ पर रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं। मडगार्ड शेम मेटल के अंदर शाइनी मडगार्ड दिया गया है, आप देख सकते हैं जबरदस्त इसका एम्बलम है। होंडा ने भी अपना एम्बलम चेंज किया तो यूनियन स्टार ने भी अपना एम्बलम उनके मुकाबले में निकाल दिया। नीचे टायर के बारे में बात कर ली जाए तो सर्विस का इसके अंदर कंपनी टायर प्रोवाइड करती है, 2.50x18 18 इंच का इसके अंदर स्पोक्स वाला रिम है। और यहाँ पे आपको इसमें ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो ड्रम ब्रेक देखने को मिल रही है। इंजन जो कि इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ पे इसका इंजन आपको दिखा दें तो 125 सीसी का इंजन है और ये हमारा जो आम होंडा सीजी 125 है उससे ज्यादा भागने की सलाहियत रखता है। इसका जो सिलेंडर है 125 सीसी का सिलेंडर है और इसकी जो टॉप स्पीड है तकरीबन 120 किलोमीटर तक ये आराम से अप्रोच करता है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से लोग कहते हैं कि इसकी फ्यूल एवरेज क्या होगी, तो फ्यूल एवरेज भी ऑलमोस्ट 45-50 देने की सहयत रखते हैं। अगर आप अपना हाथ भारी रखेंगे तो 40 तक भी देगा। गियर्स के बारे में बात कर ली जाए अब तो इसके अंदर आपको चार गियर देखने को मिलते हैं, चारों आगे की तरफ लगते हैं, इजीली आपका बाइक गियर डल भी जाएगा और निकल भी जाएगा। कार्बोरेटर बेस इसके अंदर इंजन दिया गया है, यहाँ पे आपका इग्निशन जो है फ्यूल का वो देखने को मिलता है। बैक साइड की लुक आपको दिखा दें, यहाँ पे आपको गोल लाइट मिल रही है जिसके अंदर हेलोजन बल्ब है, ये जब रात के वक्त ग्लो करता है बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एलईडी बल्ब ग्लो कर रही है। नीचे आपको टायर दिखा दें, पैटर्न जैसे कि सर्विस का हमें होंडा में मिलता है, सेम टायर पैटर्न है और सेम टायर है। यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट मिल रहा है ब्लैक कोटेड, जबरदस्त इसकी साउंड है जैसे कि 125 धाड़ता है, इसी तरह का यूनियन स्टार का 125 भी धाड़ने की सलाहियत रखता है। बैक टायर 3.0x17 इंच का बैक पे रिम आता है, 3.0x17 का इसके अंदर बैक पे टायर दिया जाता है। ड्रम ब्रेक बैक पे भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसका फ्रेम अगर आप देख सकते हैं जबरदस्त क्वालिटी है, किसी किस्म की क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं किया। शॉक्स के ऊपर बारे में बात कर ली जाए, इसके अंदर स्प्रिंग्स वाले आपको शॉक्स देखने को मिल रही है, क्रोम बॉडी के अंदर आती है, जबरदस्त है, इजी टू क्लीन है, अगर आप इसके अंदर भी साफ करना चाहें तो इजिली हो जाती है। और लॉन्ग जर्नीस पे भी आपको इसकी सस्पेंशन बेहतरीन मिल रही है, किक स्टार्ट इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा कार्बोरेटर बेस इसके अंदर इंजन दिया गया है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि तकरीबन 120 किलोमीटर तक इजीली अप्रोच करता है। यहाँ इसका बैंड है सारा ब्लैक कोटेड इसमें दिया गया है। इसके अलावा इसका जो चेन कवर उसके बारे में भी बात कर ली जाए तो थोड़ा सा होंडा से डिफरेंट है लेकिन सेम है क्वालिटी। अगर आप देखें क्वालिटी वाइज इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जबरदस्त क्वालिटी प्रोवाइड की है। चेन कवर भी हमें मेटल में प्रोवाइड किया है कंपनी ने। ये था इसका एक कम्प्लीट रिव्यू, एंड पे
जहाँ पे आप हम आए हैं सुपर ऑटोस पे, आपने फारूक भाई का देखा ही होगा, तो उनके साथ हम बात करेंगे इसकी कुछ प्राइस के बारे में। तो जी व्यूअर्स, आप इसका रिव्यू देखा होगा, मुझे उम्मीद है बल्कि यकीन है कि आपको ये बाइक पसंद आया होगा, लेकिन एंड पे इसका जो सरप्राइज है, मेन सरप्राइज उसकी प्राइस है। जी फारूक भाई, क्या प्राइस आप लेके आए हैं? सर इसकी प्राइस है 187,000। जबरदस्त हो गया सर जी, मैं खुद सरप्राइज हो गया, क्योंकि आप इसके फीचर्स वगैरह देखें तो सेम होंडा सिटी वन डू अवेलेबल है और प्राइस 187 पर इंस्टॉलमेंट प्लान भी है। इसमें जो पिंडी इस्लामाबाद के लोगों के लिए, मैं फिर आपको रिपीट अगेन दोबारा बता दूं आपको कि हमें बहुत से शहरों से कॉलें आती हैं, बहुत से लोग आपकी कॉल करते हैं कि यार हमें मिसाल कराची में चाहिए, लाहौर में चाहिए, तो इंस्टॉलमेंट का पैकेज जो है सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में, बाकी आप कैश पे पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में जहाँ कहेंगे हम आपको डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट भी जो लोग जो दे सकते हैं हम सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में। जबरदस्त हो गया, मैं खुद शौक हो गया उसकी प्राइस देख के। 187 अगर आपने लेना है तो आप जरूर फारूक भाई के पास आए, सुपर ऑटोस पे आपको बाइक अवेलेबल होगा। और तो आखिर में आपको अपनी हम लोकेशन बता दें। हाँ जी, लोकेशन पुलिस स्टेशन वारिस खान मोटरसाइकिल की, बहुत पुरानी मार्केट है पुलिस स्टेशन वारिस खान के बिल्कुल सामने, सुपर ऑटोस के नाम से हमारा शोरूम है, ठीक है, एनी टाइम अवेलेबल है, जिस टाइम आप आए कॉल करके व्हाट्सएप पर रब्ता करें, जो चीज़ आपको पूछनी वहाँ से रब्ता कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करें। नंबर मैं फारूक भाई का मेंशन कर दूंगा, फिर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।